मिसेस नायर, मिसेस नायर। मिसेस नायर, तो बेचैन आत्माओं की गंध बदला लेगी, बदला लेगी, वो बदला लेगी। हट, हट, हट। हनी, 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 काम, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इन्वेस्टिगेशन कर, इन्वेस्टिगेशन कर। Am I under arrest? आप प्लीज अपनी बकवास बंद रखेंगे। चलिए, बैठ जाओ। गोम्स, तुम मैनेजर साहब को बुला के लाओ। जी। शिंदे साहब, वहां पर एक स्वामी जी का मंदिर है। उस मंदिर में स्वामी जी की एक तस्वीर है जिसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, स्वामी प्रभु ईश्वर, जिन्होंने गौतम बुद्ध की तरह परमानंद की प्राप्ति के लिए संसार तज दिया। बस कुछ सवाल पूछेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। गरेवाल साहब, आप स्वामी प्रभु ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं? स्वामी प्रभु ईश्वर, आप चलिए। अरे स्वामी तो बहुत ही अजीब थे, बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं बोला करते थे। इनफैक्ट हमारी मैनेजमेंट ने एक बार उन्हें वहां से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया, लोग उनके साथ हो गए। जहां तक मुझे याद है, उस वक्त ये मिस्टर कुकरेजा, मिस्टर तिवारी और मिस्टर देसाई भी उनके साथ थे। ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स में से है सर। लेकिन ये स्वामी जी करते क्या थे? अरे सिपाही जी, कैसे हैं? बीड़ी है क्या? बीड़ी ढूंढ रहे हैं आप? आप क्या ढूंढ रहे हैं? देसाई साहब को। कहां है देसाई साहब? देसाई साहब के अलावा और कोई काम ही नहीं है क्या? यार एक चीज बताइए, आप पुलिस वाले अपना काम छोड़ के बहुत काम करते हैं, देख रहे हैं। अच्छा हमसे ये नहीं पूछेगा हम गर्दी में क्यों हैं? क्यों? मेजर साहब का शक सही निकला। क्या? जब वो पहली बार मंदिर में गए थे ना, हाँ? तो स्वामी जी की तस्वीर थी। हाँ? दोबारा जब गए ना, तो तस्वीर नहीं होगी। और क्या, तुमको कैसे पता? 25 साल का एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट का। तो ये एक्सपीरियंस है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इस बात का मतलब क्या निकलता है। क्या मतलब? मतलब ये निकलता है कि कोई एक खास आदमी ये नहीं चाहता कि हम स्वामी जी के बारे में ज्यादा कुछ जाने। तो क्या देसाई साहब से मिलवा दे? तू सिगरेट पी, तू मेरे को देसाई साहब से मिलवा दे। अच्छा, कौन सी सिगरेट? पी ले सिगरेट, पूछते नहीं, बीड़ी पीने वाले। अच्छा ठीक है, हाँ तो चलो लॉबी में चलो मेरे साथ। एक मिनट तुम चलो, मैं जरा सा। ठीक है, ठीक है, टेक केयर। देखिए गरेवाल साहब, इतने सालों से हम रिसोर्ट में आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार मुझे लग रहा है जैसे मेरी जान को खतरा है। प्लीज 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 सर, आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। देखिए ऑल प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व। कब सॉल्व होगी? जब मेरे मरने के बाद? आप बिल्कुल नहीं मरेंगे सर, आप मानिए ना। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए जी। आपके पूरे रिसोर्ट में कोई साए घूम रहे हैं, एक एक करके सबको बर्बाद कर देंगे, पूरा प्रकोप है यहाँ पर। अरे मेरी वाइफ पता क्या कितनी वीक हो गई है, अरे खड़े खड़े गिर जाती है, बैठे बैठे गिर जाती है, अरे वो यहाँ का माहौल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, आप बिलीव नहीं सर, आई कंप्लीटली सर, आप बिलीव नहीं कर रहे, सिंपथाइज भी नहीं कर रहे। अरे तो सिंपथी क्या भाई, जाने लगी यार, क्या करते हैं समझ में? क्या कर रहे हैं भाई साहब? देखिए ना, पुलिस है यहाँ पर, आप क्या करें? पुलिस वो क्या बड़ा करेगी, एक डंडे से क्या बड़ा कर लेंगे? क्या चाहते हैं ये भाई साहब? प्लीज देखिए देखिए, मेजर जीत यहाँ पर आ चुके हैं, वो सब सॉल्व कर देंगे, मैं अभी उन्हें बुला कराता हूँ। अरे आप बस यहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर, देखिए सब लोग रिसोर्ट से चेकआउट करने की जिद कर रहे हैं सर। व्हाई सर? सबको लगता है कि यहाँ पे रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, उनको लगता है कि उनकी जान चली जाएगी। देखिए मैं तो उन्हें समझा समझा के थक चुका हूँ सर, लेकिन अब जो होगा आप करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज सारे गेस्ट लॉबी में हैं। यस सर। शिंदे साहब आप जाइए, उनसे बात कीजिए, आई थिंक इट विल बी मच बेटर। सर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी ना सर? वेरी सून, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सर। सर सर परांजपे अंदर नहीं है। परांजपे? परांजपे का कौन सा रूम? रूम नंबर 9 सर। आप शिंदे साहब के साथ जाइए परांजपे का रूम। प्लीज कम से कम। दिस इज शिंदे साहब। परांजपे का रूम किधर? ये वाला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाथरूम जाना कोई गुनाह नहीं है। देखिए आपको अगर आना ही था तो कम से कम जाधव को इन्फॉर्म करके आते। देखिए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे बाथरूम आना पड़ा। मिस्टर परांजपे, आपके कोऑपरेशन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी। ओके चलिए नीचे लॉबी में आइए। प्लीज डोंट माइंड सर, बट द सिचुएशन इज वेरी टेंस। माइंड? व्हाट माइंड? माइंड? व्हाट काइंड ऑफ माइंड?
नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आप यहाँ के इंचार्ज हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। गेस्ट भी आते हैं? नहीं, गेस्ट नहीं आते। स्टोर इसलिए नहीं आते? स्टोर इसलिए नहीं आते। देसाई साहब को जानते हैं आप? नहीं सर, देसाई साहब को नहीं पहचानते। हम भी नहीं जानते। चलिए ठीक है। Mr. Desai, we are extremely sorry to give you trouble at this hour. No problem. Please do your duty. Thank you, sir. आप स्वामी प्रभु ईश्वर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं हमें बताएंगे प्लीज? कौन? स्वामी प्रभु ईश्वर। बाबा? हाँ, बाबा। बाबा के बारे में क्या जानते हैं? पता नहीं, ये काफी पुराना मामला है। मेरी मेमोरी काफी कमजोर हो चुकी है। देखिए मिस्टर देसाई, आप तीन लोग थे, दो का मर्डर हो चुका है, इसका मतलब समझते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या तीसरा मेरा नंबर है? आपका या आपकी वाइफ का? मिस्टर देसाई, प्लीज हेल्प अस। अब बताइए स्वामी प्रभु ईश्वर के बारे में आप जो भी जानते हैं। हाँ, हम तीनों स्वामी को एक बार मिले थे। हुआ यूं था कि हम एक शाम को इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे, अचानक हमें किसी के कराहने की आवाज आई। तो हमने उस आवाज को जब फॉलो किया तो वो एक मंदिर के अंदर से आ रही थी। हम जब मंदिर में गए तो एक बूढ़ा स्वामी बीमार हालत में करा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोशी में है। आई थिंक ही वाज डाइंग। हमने डॉक्टर को बुलाना चाहा तो उसने हमें मना कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम धीरेन्द्र जैन है, एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट का इकलौता वारिस। एक दिन अचानक वो सब छोड़ छाड़ कर घर से भाग गया और बाबा बन गया और अपना नाम धीरेन्द्र जैन से स्वामी प्रभु ईश्वर कर दिया। आपको क्या लगता है कि इस मर्डर में उस स्वामी का हाथ है? Maybe, may not be. शिंदे साहब, आप मिस्टर मिसेस देसाई को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए और आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप अकेले ना रहें, लोगों के बीच में घिरे रहें, हमें आपको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर देसाई, सॉरी फॉर द ट्रबल। गोम्स, मुंबई जाना होगा। ये स्वामी प्रभु ईश्वर की जन्म कुंडली निकालनी होगी। गोम्स, केदार को कांटेक्ट करो और उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं इमीडिएटली। इतने घंटे मालिश करवाते हैं ये सर? अरे सर, घर जाना है सर, आई एम मैरिड पर्सन सर। कौन है तू? गोम्स। गोम्स सर। कौन गोम्स? मेजर साहब। कौन मेजर? मेजर चौहान, जीत सिंह चौहान, दुबले पतले मूंछ वाले। क्या काम है सर? वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? जी सर। किस लिए? सर वो एक केस के सिलसिले में। देख रहे? किसको? सर, यस सर। ऐसे बनना है? हाँ, नहीं सर। कुछ डुल्ले उल्ले बनाओ, कुछ सेहत वेहत बनाओ, यस सर। हमारे लेवल पर आओगे फिर बात करेंगे। सर, यस सर, यस सर। चलो लेटा दो। देखिए, नहीं सर, प्लीज सर। सर, आई एम मैरिड पर्सन सर। नहीं, प्लीज सर। सर देखिए सर, सर आई एम फ्रॉम गुड फैमिली सर, प्लीज सर। सर देखिए सर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, प्लीज। ये
गुड मसाज और ये बन सर 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 मुझे मैं काम के लिए आया हूँ सर कौन मैं सर वही सर जो दुबले पतले सर सर दुबले पतले एकदम वाले सर 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 फोन करिए ना सर अभी किया सर वो नाराज रहेंगे प्लीज सर हाय मैरिड पर्सन हेलो मैरिड सर इसको कहाँ से लाए सर सर ये लो बात कर लो कौन सर काम फंसवा दिया पहलवानों के बीच में मतलब की बात बोलोगे सर हाँ केदार आपसे मिलना चाहता है सर ओके मैं पहुंच जाऊंगा सर मैं निकलता हूं आज की रात थोड़ी भारी पड़ी ऑल द बेस्ट गोम्स तो बी इन टच केदार भाई केदार मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है गेट अप नाउ कम ऑन हैव अ बियर मेजर नो आई डोंट ड्रिंक यू नो इट बहुत बुरा करते हो यार मुझे एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए केदार तुम गलत जगह आ गए हो मेजर मैं उन सब धंधों से रिटायरमेंट ले चुका हूं अब तो बस मैं हूं और मेरी मस्ती मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं केदार सुनो मैं एक डबल मर्डर केस में डील कर रहा हूं मुझे इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है तुम्हारी पहुंच कहां कहां तक है ये बात हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से जानता है मेजर तुम एक अव्वल दर्जे के आलसी आदमी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज इम्पॉसिबल Nothing is impossible. मुझे क्या मिलेगा कितना चाहिए One. कनिष की आर्ज़ू में बढ़ती जा रही है Come down. 90. You are a brat, केदार Seventy-five. 50. डन इस आदमी का नाम था प्रभु ईश्वर बाबा था असली नाम धीरेन्द्र जैन था जानता हूं मैं रईसों की औलाद था सब दौलत छोड़कर बाबा बन गया जानता हूं जानते हो यस जो कुछ भी जानते हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स के साथ मुझे फौरन चाहिए फास्ट ओके एंजॉय योरसेल्फ केदार Thank you.